रुकते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का दूसरा दीक्षांत समारोह एनआईटी परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल, विधायक नरेंद्र ठाकुर, अरुण कुमार, विजय अग्निहोत्री, नवीन शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 327 मेधावी छात्रों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल बांटे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर का दूसरा दीक्षांत समारोह एनआईटी परिसर के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल, विधायक नरेंद्र ठाकुर, अरुण कुमार, विजय अग्निहोत्री, नवीन शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने 327 मेधावी छात्रों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल बांटे। मुख्य अतिथि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को बधाई दी और खुशी जताई कि गोल्ड मेडल और डिग्रियां लेने में युवतियों की संख्या ज्यादा है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, जो कि अच्छी बात है। मैं सबको ध्यान से सुन रहा था, ध्यान से देख रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही। 16 लोगों को वोट मिल गया है, इसमें से मुझे बहुत ही प्रसन्नता खुशी है। इसमें 6-8 जो है महिला काफी आगे बढ़ रही है और मुझे बहुत ही खुशी है। इसमें जो है डिग्री प्राप्त की 243 और टोटल जो है 269 लोगों को आज कार्यक्रम में जो है मैंने देखा। इसमें से 269 से मेल जो है 130 में अच्छे जो है काफी आगे बढ़ रहे। इसका कारण है कि महिला जो है बहुत ही जो है श्रद्धा होते हैं और वो लोग अपने आप काम कर रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे पुरुष जो है सब लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, एकाग्रता बहुत होती है, शक्ति बहुत होती है, तो उदाहरण आ रही है। इसके लिए मुझे विश्वास है भारत तब से आगे बढ़ेगा महिलाओं के साथ। और मुझे खुशी भी है आप लोग पुरुष भी जो है महिलाओं के लिए आगे बढ़ा था। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि छात्रों का विजन हाई होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विजन हाई होगा तो छात्र अपने घर परिवार और देश को ऊंचाइयों पर लाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डिग्री ले ली है, अब चरित्र निर्माण करना भी बहुत आवश्यक है। आपकी आपका डिग्री जरूर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप डिग्री लिए और काफी लोग जो है डिस्टिंक्शन में पास हुए, डिस्टिंक्शन में पास हुए, अस्टाफ में पास हुए, सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ। डिग्री प्राप्त करने से अपना जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। अपना जीवन आगे बढ़ने के लिए हमको डिग्री के साथ चरित्र निर्माण भी चाहिए। चरित्र निर्माण बाहर नहीं रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। विजन मस्ट बी वेरी वेरी हाई, अगर यू मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड योर डिग्री योर डेडिकेशन योर डिवोशन विल डेफिनेटली हेल्प फॉर योर फ्यूचर। तो इसलिए आप लोग इस विषय को आप ध्यान में रखते हुए आप डिग्री लिए, आपके माता पिता बहुत संतोष रहते हैं। आज मेरी लड़की मेरा लड़का डिग्री लेके आया, मेरा परिवार को अच्छा करेगा। तो इसलिए पहले आप अच्छा रहिए, बाद में परिवार को अच्छा रखिए, फिर बाद में हिमाचल प्रदेश को अच्छा देखिए, फिर बाद में भारत को मजबूत।
तकनीकी विश्वविद्यालय की उपकुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल ने कहा कि थोड़े से सालों में विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण काम किए हैं और छात्रों को हर सुविधा देने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर छात्र के द्वारा एक पौधा लगाया जाता है और उसकी देखभाल भी की जाती है ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखने में छात्र अपना योगदान दे सकें। तो विश्वविद्यालय में शुरू किए हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में योगा को लेकर, संगीत को लेकर के, चेस को लेकर के एक नया जो मुझे लगता है कि घोषणा की है और शुरू भी किया है योगा विषय, हमने इस विश्वविद्यालय में शुरू करके मुझे लगता है कि इस रीजन का नॉर्थन रीजन का यह पांचवा विश्वविद्यालय है जहाँ की योगा जो है विश्वविद्यालय में चल रहा है। हमने ये एक्शन किया कि पाठ्यक्रम को नीट बेस बनाए रहे हमने और इंडस्ट्री को जहां भी हम इन्वॉल्व कर सकते थे इंडस्ट्री ऑरियंटेड हमने बनाने की कोशिश की है। स्किल डेवलपमेंट सेंटर जिसमें कि 35 कोर्सेज की एक बास्केट बनाई है, हमने स्किल डेवलपमेंट के जरिए हमने ये एंश्योर किया है और अभी हम डे कोऑर्डिनेटर हमारे सामने बैठे हैं, इनके साथ एमओयू साइन करने जा रहे हैं और क्योंकि हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियरिंग में है वो कहीं ना कहीं स्किल गैप की वजह से, और उसी स्किल गैप को हमने भरने की कोशिश भी की है विद द हेल्प ऑफ दिस स्किल डेवलपमेंट सेंटर। हमने कॉलेजेस की रैंकिंग का एंश्योर किया है कि क्वालिटी पैरामीटर्स हो, हर कॉलेज को हमने निर्देशित किया है कि वो नेट एक्रेडिटेशन, एनबीए एक्रेडिटेशन, एनआईआरएफ की रैंकिंग और कंप्लीट ऑटोनॉमी के लिए वो प्रयासरत रहे। यूजीसी की कंप्लीट ऑटोनॉमी हर कॉलेज का अधिकार, हर कॉलेज का होना चाहिए, लेकिन उनको क्वालिटी पैरामीटर्स को अचीव करना होगा। और हमने वन इंस्टीट्यूट, वन कॉलेज, वन विलेज, हमने ये निर्देश दिया है कि हर इंस्टीट्यूट एक विलेज अडॉप्ट करेगा। इस तरह से हमारे पास 45 विलेजेस जो है इस हिमाचल में अडॉप्ट किए गए हैं और वहां पर कार्य चल रहा है और हिमाचल प्रदेश के विश्वविद्यालय ने भी 2 विलेजेस अडॉप्ट किए हैं। इसी तरह हमने एक नया स्टेप किया है, हमने वन स्टूडेंट वन फ्री ये पूरे हमने हिमाचल में शुरू कर दिया है। हर विद्यार्थी जो इंजीनियरिंग विद्यार्थी 4 साल के लिए पहले साल आएगा वो पौधा लगाएगा, पौधे का लगाने के बाद पौधा ना मरे, वो पौधा जो जीवित रहे उसके लिए हमने एंश्योर किया कि वही उसका देखभाल भी करेगा। 4 साल बाद 2 क्रेडिट जो है हम डिग्री के साथ जोड़ दिए हैं, 2 क्रेडिट